मंथरा, राम के राज्यभिषेक के बाद तुम दासी बन जाओगी। फिर हम क्या करें मंथरा? तुम अपने में दोनों वचन मांग लेना, एक से भरत की राजगद्दी, दूसरे से राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। मैं ऐसा ही करूँगी, मैं महाराज का शरीर कभी सफल नहीं होने दूंगी। पहले वचन देखी, मैं जो कहूँ वो पूरा करेंगे। मैं राम की सौगंध खा के कहता हूँ, तुम जो कहोगी मैं अवश्य पूरा करूँगा। मैं वो दो वचन मांगना चाहती हूँ जो आपने सालों पहले रणभूमि में दिए थे। मांगो क्लियर, तुम्हें क्या चाहिए? मैं चाहती हूँ कि कल राजा अभिषेक भरत का हो, राम का नहीं, और राम को 14 वर्ष का वनवास मिले। ये तुम क्या कह रही हो प्रिया? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने सही सुना है। अपने वचन से पीछे हटना लोगों का अनादर है, चाहे तो आप ऐसा कर सकते हैं, पर तब आप दुनिया में मुंह दिखाने योग्य नहीं रहेंगे। राम अगले दिन सुमंत्र वहां पहुंचे, केकई कक्ष में सुमंत्र पहुंचे तो राजा दशरथ ने राम को बुलाने की आज्ञा दी। राम वन जाने के लिए तैयार हो गए। उसके बाद उन्होंने माता कौशल्या का आशीर्वाद लिया। तुम और तुम 14 वर्ष के लिए वनवास जाओ। पिता का वचन अवश्य पूरा होगा, भरत को राजगद्दी दी जाएगी।